रियल एस्टेट से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बारिश के बाद कराची में 45 फीडर्स अब तक बहाल नहीं हो सके। बहरिया टाउन में कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो भी 6 लाख रुपए में, क्या ये मुमकिन है? नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और डिटेल्स जानें। कराची को बिजली सप्लाई करने वाले कंपनी के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बारिश के बाद शहर के नशीबी इलाकों में 45 फीडर्स अब तक बहाल नहीं हो सके हैं। के इलेक्ट्रिक के तर्जमान का कहना है कि बारिश का पानी जमा होने की वजह से यूनिवर्सिटी रोड और गुलिस्तान जौहर मुतासर है। बल्दिया में भी बारिश का पानी जमा होने पर बिजली की फराहमी बंद है। तर्जमान का कहना है कि बिन कासिम के भी बेशतर इलाकों को बिजली की फराहमी बंद है, जबकि PECHS सोसाइटी में चंद ब्लॉक्स में पानी की निकासी ना होने से बिजली बहाल नहीं हो सकी। औरंगी टाउन और कोरंगी में जेरे आप इलाकों में बिजली की सप्लाई अब तक बंद है, जबकि सरजानी के इलाकों में भी बारिश का पानी जमा होने की वजह से बिजली की फराहमी अब तक मौतल है। के इलेक्ट्रिक के हुकाम का कहना है कि डिफेंस के नशीबी इलाकों का एक फीडर ही मुतासर है, जबकि गुलशन इकबाल के भी एक ब्लॉक में पानी जमा होने पर बिजली बंद। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश के बाद भी गर्मी का जोर टूट गया। ताहम शहरों पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इसके अलावा कराची में बारिश शुरू होते ही शहर के बेशतर हिस्सों में बिजली की फराहमी मौतल हो गई। कराची में गरज चमक के साथ तेज बारिश, मुख्तलिफ वाकयात में 5 अफराद जान बहा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया, ताहम शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहर के मुख्तलिफ इलाकों मलीर मॉडल कॉलोनी, सऊदाबाद, न्यू कराची एयरपोर्ट, लांडी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, घारों और इतराफ के इलाकों में तेज आंधी के साथ वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश से शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसलाधार बारिश के बाद शहरों पर पानी जमा हो गया, गाड़ियां बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में पानी जमा होने से खड़ी गाड़ियां डूब गईं, जबकि स्कीम 33 में वाकिया रिहायशी सोसाइटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। यूनिवर्सिटी रोड और मॉडल कॉलोनी की सड़कों पर भी पानी जमा हो गया और नालों की सफाई ना होने से कई इलाकों में गंदा पानी सड़कों पर आ गया। सुपर हाईवे मवेशी मंडी में बारिश के बाद व्यापारियों को कारोबार मुतासर होने का खदशा है और खरीदारों को कीमत कम होने की उम्मीद है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस 550 से ज़ायद फीडर्स मुतासर होने से शहर के 80% इलाकों को बिजली की फराहमी मौतल हो गई। करंट लगने समेत मुख्तलिफ वाकयात में 5 अफराद जान बहा। बारिश के दौरान करंट लगने के मुख्तलिफ वाकयात में बच्चे समेत 3 अफराद जान बहाक भी हो गए। पुलिस के मुताबिक गुलशन हदीद फेज 2 में करंट लगने से 1 बच्चा जान बहा, जबकि लांडी में करंट लगने से 22 साल नौजवान और गार्डन फवारा चौक के करीब घर में करंट लगने से 1 शख्स जान बहाक हो गया। इसके अलावा औरंगी टाउन में नाले से गिरकर 1 शख्स की मौत हो गई, जबकि बिन कासिम टाउन में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जान बहाक। इधर रेस्क्यू जराये के मुताबिक औरंगी में नाले से बच्ची गिर गई, जिसकी तलाश का काम जारी है। बारिश के बायस परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर। बारिश के बायस परवाजों का शेड्यूल मुतासर हुआ और इस्लामाबाद, पेशावर और दुबई से कराची आने वाली परवाजों को लाहौर एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के तीसरे स्पेल के मुतालिक अंदाजे गलत साबित हुए और शहर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात का कहना है कि रात में तेज बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है, जो कल दोपहर तक वक्फे वक्फे से जारी रह सकता है। तो नाज़रीन, ये तो हो गए महकमा मौसमियात के हवाले से एक तफसील शुदा डिटेल्स। मजीद जानने के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी।